आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, परियों के भेस में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट थी पहले तो, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा गाना इतना फेमस हो रहा है। आज यहाँ पे आए हो, जो एल्बम लाइक लॉन्च हुआ, आपको यहाँ पे पंकज उदास इन सबके सामने आपका गाना सुनाने के लिए मौका मिला, तो कुछ अपना एक्सप्रेशन भी व्यक्त करना चाहूँगी यहाँ? हाँ, मैं देख रही थी, मैं आते ही मेरे को स्टेज पर बुला लिया, तो आई वो सो सरप्राइज कि आते ही मेरे को बुला लिया, तो और मैं सबसे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के।
ये एल्बम के बारे में ऐसा कौन सा गाना है जो आपको बहुत पसंद है कुछ है? मुझे मेरे डैड का दिल भी क्या चीज़ है तो मेन टाइटल सॉन्ग ऑफ दैट जिस जो इस ही टाइटल पे वो गाना बनाया आई लव दैट सॉन्ग ऑफ माय डैड। अगर आप कुछ अपने गाने कुछ यहाँ पे सुना सकें कौन सा सुना आप या, आपके इस नामकरण के गाना ही अगर आप गुनगुना लें आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में परियों के भेस में। थैंक यू थैंक यू। मैम क्या कहना चाहेंगे आज जो एल्बम लॉन्च हुआ है अक्स म्यूजिक के थ्रू फिल्म का भी लॉन्च हो रहा है गाना तो कुछ क्या कहना चाहेंगे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग जुड़े हैं जैसे राम शंकर जी हैं पंकज जी रूप जी सब बहुत सुरीले और बहुत बहुत मतलब जो संगीत के पारखी लोग हैं और उनके जो गाइडेंस में जो गाना रिलीज़ होएगा दैट विल डेफिनेटली बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल और हम लोग को तो हमेशा मीठा गाना एंड मेलोडियस गाने ही पसंद है तो आई लुक फॉरवर्ड टू दिस एल्बम एंड मैं आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू दिस कंपनी कि और अच्छे अच्छे गाने और अच्छी अच्छी पेशकश करते रहेंगे आगे। उनको बहुत बहुत बधाई। आई होप एंड प्रे के म्यूज़िक एल्बम बहुत ही अच्छा करे लोगों को पसंद आए बहुत मेहनत गई है इसमें लोगों को उनकी मेहनत रंग लाए। सभी यहाँ पे जो महान गायक हैं यहाँ पे ऐसे कौन से गाने जो आपको पसंद आते हैं उनके जो आप गुनगुनाती हो कभी एकांत में? पंकज उदास के आई थिंक चिट्ठी आई है राइट वो मतलब वो मेरा फेवरेट है बचपन से। राम शंकर जी इज़ लाइक फैमिली टू अस बहुत ही क्लोज हैं हमारी फैमिली से तो उन्हें बहुत 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 बधाई एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक्स। और अपकमिंग सिंगर्स में सारेगामा से निकली हुई अच्छी टैलेंटेड सिंगर हरज्योत हरज्योत मैं चाहूँगा आप यहाँ आओ। सचिन वाल्मीकन ये भी सारेगामा से निकले हुए बच्चे हैं बहुत अच्छा गाते हैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ मैं। मान्या अरोरा आप आइए आप भी बहुत अच्छा गाती हैं आपको भी प्रमोट करूंगा मैं। और मेरी छोटी बेटी स्नेहा शंकर जो अलका जी की शेरनी है अलका जी ने इसका नाम शेरनी रखा है बैगवती ये हम सबको प्रमोट करेगी। और मेरा बेटा आदित्य शंकर जो कि म्यूजिक डायरेक्शन और सिंगिंग में आप लोगों के आशीर्वाद से आ रहा है। तो ये हमारी एक छोटी सी छोटा सा एक परिवार है जिसमें अलका जी हेड हैं आज समीर जी हेड हैं तो ये हमारा AKS परिवार है। राम शंकर और अश्विनी कुमार सहदेव राम शंकर और अश्विनी कुमार सहदेव का ये परिवार है AKS का और इसमें आप सबका प्यार सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं चाहूँगा स्नेहा से कि स्नेहा प्लीज़ अलका जी को दो बोल वो सुना दो जो आपका नामकरण सीरियल जो अभी चल रहा है स्टार प्लस पे उसमें आपने जो बच्ची के लिए लोरी गाई है वो दो बोल सिर्फ सुना दो। आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में परियों के भेस में हो चांद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी उम्मीद जो न छूटे हर बात है बनी रातों के सुर से निकले सुबह की रागनी लोरी तुझे सुनाओ बचपन की एक मैं लोरी तुझे सुनाओ बचपन की एक मैं
मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में, परियों के भेस में। आ लेके चलूं तुझको। बहुत ये एक ऐसी लोरी हमने सुनी जो सुलाती नहीं बल्कि जागृत करती है। बहुत खूब ब्यूटिफुल सच सूरिंग वॉइस। हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच बॉबी।